एंड इसको बहुत सिंप्लीफाई कर दें तो ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल सही लेकिन ग्लोबल वार्मिंग कर क्या रही है यह समझना हमारे लिए जरूरी है व्हाट आर द प्रोसेसेस बिहाइंड दिस नाउ व्हाट है लास्ट ईयर लास्ट ईयर क्या हुआ था हमेशा की तरह दिसंबर जनवरी के अंदर स्नोफॉल और बारिश नहीं हुई राइट स्नोफॉल क्या है कि जब बारिश होती है तो इफ द टेम्परेचर दे आर बिलो जीरो स्नोफॉल हो जाती है, है तो बरसाती इट इज अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन चाहे हिलस्टॉम हो जिसको हम गढ़े बोलते हैं चाहे हिलस्टॉम हो या फिर uh, स्नोफॉल हो चाहे रेनफॉल हो इट इज वन एन सेम थिंग सो वन एन द सेम थिंग सो वट हैपन्सम्बर और जनवरी में अक्सर मानसून इन इलाकों में आता है इंडिया के नॉर्थ में कश्मीर हिमाचल उत्तराखंड पंजाब कैसे आता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से आता है वेस्टर्न इफ़ दिस इंडिया, सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ इंडिया तो यहां से कुछ हवाएं आती हैं इनको हम बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस राइट वेस्टर्न साइड से आते जेट स्ट्रीम इज वन ऑफ द रीजन राइट तो यहां पर ये सारी चीजें एक्सप्लेन है कि वो क्या रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज जो एक्सपेक्टेड होते हैं दिसंबर और जनवरी में वो तब आ नहीं रही बाद में आ जाती है फेब मार्च में Now what happens, जो है पहले आता नहीं एंड एज अ रिजल्ट ऑल दी स्टेट्स दे गो थ्रू अ वेरी ड्राई स्पेल यहां पे बरसात नहीं होती पानी की कमी हो जाती एंड फिर फेब और मार्च में एकदम से सारी बरसात उस समय हो जाती है लास्ट ईयर दिस एंड दैट लेड टू डिस्ट्रक्शन डिवास्टेशन इन हिमालयन स्टेट राइट या एग्जैक्टली सो टेक्निकल भाषा में आप की क्लासेस में सीखोगे जो जसमन ने भी लिख दिया विंटर रेन इन मेड्रेनियन रीजन सो वहाँ से हवा जो है वो राइज करती है एंड यहाँ पहुंच जाती है एंड दैट इज नोन एज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज बिकॉज वो वेस्टर्न साइड से आते राइट right? एक तो ये चीज होगी सेकेंड इज एलो एलिनो क्या होता है जी एलो वापस आ गया न्यूज में अब देखो जब भी आप प्रसर क्वेश्चन रीड करते हो वेन एव यू गो थ्रू प्रेवेर ला लालीना और जब आपने अभी सब्जेक्ट को कवर नहीं किया आपने नहीं तो बट भी साल नहीं होगा इनफैक्ट ऐसा कोई भी महीना नहीं होगा जब न्यूज पेपर के अंदर एल लीनो की बात ना हुई एंड आफ्टर कवरिंग योग्राफी प्लस गोइंग टू द न्यूज पेपर क्लासेज करेंट अफेयर क्लासेज एल नीनो इज वन ऑफ द इजिएस्ट थिंग्स अब जब आप दोबारा से उन्हीं प्रिवेशियर क्वेश्चन को देखोगे अब आपको लगेगा ये तो बड़ी सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं कैन यू सी हाउ द परस ऑर नो सो माई पॉइंट इज वेन यू आर एनाइजिंग द प्रिवीसियर क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम वन यू आर गिविंग द टेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम डू नॉट कीप इमेजनिंग की बहुत कुछ डिफिकल्ट चीजें हैं अभी आपने कुछ देखा ही नहीं देखोगे आसान हो जाएंगी सेम चीजें जब आपको ट्रेंड्स पता लगने स्टार्ट हो जाएंगे That is how uh, the you know difficult part it starts it keeps getting easier ठीक है जी so El Nino एक बार फिर से आ गया newspaper में क्या होता है Pacific Ocean Southern America के पास जो पानी है समंदर का पानी वो अपने नॉर्मल temperature से थोड़ा अगर गर्म हो जाता है उसका इंपैक्ट सारे दुनिया के मौसम के ऊपर होता है और इंडिया में क्या होता है We are, we are that India के कुछ इलाकों में बरसात की बहुत कमी हो जाती है right? हालांकि इस और इसके होने वाले इंपैक्ट्स को अभी भी हम अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं प्लस आ गई ग्लोबल वार्मिंग जिसने सारी हमारी जो अभी तक की समझ थी उसको हिला के रख दिया नाउ वी आर नॉट गेटिंग वॉट इज गोइंग टू है रिपीट ऑफ वॉट हैपन लास्ट ईयर इन हिमाचल इन जम्मू एंड कश्मीर इन उत्तराखंड

राइट बेहद ईजी कंसेप्ट राइट वाई ईजी बिकॉज इलेवेंथ क्लास के एनसीआरटी में आपको मिलते इलेवेंथ क्लास की बातें कर रहे हैं हम अभी एंड एल लीनो लानीना ईजिली आप बड़े लंबे विस्तार में समझोगे जोग्राफी क्लासेज बट बिकॉज एल लीनो ये इस साल एंड वेस्टर्न नहीं आई है जेट स्ट्रीम्स के अंदर हो गई है ये तीन कारण है कि पिछले कुछ सालों से जो हम नोटिस कर रहे हैं दिसंबर और जनवरी में जब वेस्टर्न लेकर आती है विंटर्स के अंदर नहीं लेके आ रही है अपने टाइम पे और फिर फेब और मार्च में हम देखते हैं बहुत कम समय में ये सारा जो मॉइस्चर है एकदम आ जाता है स्नोफॉल से लेकर यू नो बहुत इंटेंस रेनफॉल और हिमालया इकोसिस्टम उसको सह नहीं पाता दैट लीड्स टू लैंड स्लाइड्स फ्लडिंग ऑफ ऑल द हिमालयन रिवर्स फिर ये नदियां अपने साथ सब कुछ भाग के ले जाती हैं जो भी इनके किनारों में बना हुआ है यानी सारे के सारे शहर